नमस्कार दर्शक मित्रों, दम न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन पर नए 15 पायलट ट्रेनिंग के लिए आते सर्वधर्म प्रार्थना सभा का किया गया था आयोजन। तेज बारिश के चलते फिर से उमरगांव के अंडरपास में भरा पानी, लोगों को आवाजाही में हुई थी परेशानियां। दादरा नगर हवेली स्काउट गाइड फेलोशिप द्वारा गंभीर गढ़ पर 2252 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया तिरंगा। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन पर सर्वधर्म पूजा का किया गया था आयोजन। संघ प्रदेश दमन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन पर सोमवार को सर्वधर्म पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्म के धर्म गुरुओं द्वारा पूजा विधि की गई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन पर नए पायलट की भर्ती प्रक्रिया होती है, तो उस भर्ती प्रक्रिया से पहले इस अवसर पर इस तरीके से सर्वधर्म पूजा का आयोजन किया जाता है। तो इसी के चलते सोमवार को कुल नए 15 ट्रेनिंग पायलट की भर्ती करने के बाद उनके हाथों चेतक हेलीकॉप्टर और डोनियर एयरक्राफ्ट को कंकु, चावल और फुलहार चढ़ाकर विधिवत तौर पर पूजा विधि संपन्न की गई थी। आयोजित पूजा विधि कार्यक्रम में कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन के डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल SSN वाजपेयी, DIG अमित कोरगावनकर, कमांडेंट UK अय्यर, डेप्यूटी कमांडर चित्रा बिस्वास सहित अन्य कोस्ट गार्ड के जवान उपस्थित रहे थे। पूजा विधि कार्यक्रम के बाद लायंस क्लब ऑफ वापी की महिलाओं द्वारा रक्षाबंधन पर्व के चलते एयर स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में कोस्ट गार्ड के जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन पर्व को मनाया था। इस अवसर पर नवसारी से आए हुए बाढ़ की परिस्थिति में 11 महीने की नन्ही बच्ची श्लोका पटेल, जिनका कोस्ट गार्ड के जांबाज चेतक हेलीकॉप्टर के पायलट दुर्गेश चंद्र तिवारी द्वारा जो सफल रेस्क्यू ऑपरेशन करके बच्ची की जान बचाई गई थी, तो उस बच्ची की माता और बच्ची की उपस्थिति के बीच रेस्क्यू करने वाले पायलट को राखी बांधकर रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी गई थी और पायलट का आभार व्यक्त किया गया था। इस अवसर पर कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन के अधिकारीगण और कोस्ट गार्ड के जवानों के साथ लायंस क्लब के साथ जुड़ी हुई महिलाएं उपस्थित रही थी। जैसा आप सभी को वेदित है कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का पावन त्यौहार है। ये हमारे देश में प्रथा रही है कि हम लायंस क्लब और रोटरी क्लब की बहनों से राखी बंधवाते हैं और अपना वचन जो हमने दिया है देश को, देश की रक्षा करने के, उसको एक बार फिर बनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए आज ये रक्षाबंधन का त्यौहार का आयोजन। वलसाड़ जिले में फिर से लंबे विराम के बाद बारिश की शुरुआत होते उमरगांव तहसील में सबसे ज्यादा गिरी बारिश। उमरगांव स्टेशन मार्ग पर आए हुए नाले में पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही के लिए भुगतनी पड़ी थी काफी सारी परेशानियां। वलसाड़ जिले में कुछ दिनों के विराम के बाद फिर से एक बार मौसम में बदलाव के साथ अचानक
रविवार देर शाम से बारिश की शुरुआत होती माहौल ठंडा बनते लोगों ने गर्मी से थोड़ी राहत पाई थी, पर जिले के सभी तहसीलों में सबसे ज्यादा उमरगांव तहसील में बारिश गिरने की वजह से कई सारी समस्याएं खड़ी हुई थी। उमरगांव स्टेशन मार्ग पर आए हुए नाले पर पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तो लो लेवल के नाले पर पानी भर जाने से वाहन चालकों के साथ स्कूल जाते हुए बच्चों को काफ़ी सारी परेशानियां भुगतनी पड़ी थी। दूसरी ओर उमरगांव स्टेशन मार्ग के साथ अन्य जगहों पर भी पानी भर जाने से स्कूल की छुट्टी के वक्त छात्रगण मुश्किलों में घिर गए थे। दूसरी ओर स्टेशन मार्ग पर रास्तों पर पानी भर जाने से बच्चों को घुटनों तक भरे हुए पानी में से जाने को मजबूर बनना पड़ा था। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में स्काउट गाइड फेलोशिप द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा के तहत गंभीर गढ़ पर 2,252 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया तिरंगा। खेल मंत्रालय एवं युवा द्वारा स्थानीय उप समाहर्ता सिलवासा एवं अध्यक्ष दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड के दिशा निर्देशन में हर घर तिरंगा के तहत संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली स्काउट गाइड फेलोशिप ने गंभीर गढ़ 2,252 फीट की ऊंचाई पर दीपक प्रजापति एवं श्रुति मुरिया ने फहराया झंडा, जिसके अंतर्गत सुबह 6 बजे राज्य मुख्यालय दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड से 47 सदस्य टीम स्काउट गाइड फेलोशिप सक्रिय सदस्य स्वरूपा शाह एवं राहुल शाह के नेतृत्व में रोवर ऋषि धन्ना, गाइड अर्पिता मिश्रा, स्काउट काव्यांश कुलश्रेष्ठ द्वारा विशाल सरोज, मिलन पटेल, संदीप पटेल, मनोज पटेल सहयोग से सभी सदस्यों को सिलवासा डोकमंडी से मोटर बाइक पर हर घर तिरंगा रैली निकालकर सिलवासा का भ्रमण कर सामरवर्णी, डियर पार्क, खानवेल, बटरफ्लाई पार्क, प्रकृति पथ, उदवा से गंभीरगढ़, इको टूरिज्म रेंज दहानु फॉरेस्ट से 2,252 फीट की चढ़ाई की शुरुआत की, जिसे सभी सदस्यों ने मिलकर 2.5 घंटे में सभी सदस्यों ने गंभीरगढ़ की गंभीर रास्तों की चढ़ाई को पूरा किया। इसी के साथ ही स्वरूपा शाह द्वारा योगा, अर्पिता मिश्रा एवं टीम द्वारा जुम्बा, प्रकृति के साथ खोज एवं सांस्कृतिक मनोरंजन का भी आयोजन कर सभी प्रतिभागियों के लिए उत्साह बढ़ाते हुए आने वाले कठिन से कठिन रास्तों पर आसानी से एक दूसरे का सहयोग करके इस कार्य को पूर्ण किया एवं आने वाले लक्ष्य को गंभीरगढ़ के शीर्ष को आखिरकार प्राप्त किया, जिसमें सर्वप्रथम गंभीरगढ़ के शीर्ष पर तिरंगा फहराने का श्रेय दीपक प्रजापति एवं श्रुति मौर्या ने लिया, जिसके लिए चार्मी पारिक द्वारा दोनों बहादुर सदस्यों को शुभकामनाएं देकर पूरी टीम का उत्साह बढ़ाया था। उत्तर भारतीयों का 8 अगस्त को आखिरी श्रावण महीने का सोमवार हो दादरा नगर हवेली हर हर महादेव के नाद से गूंज उठा। पूर्व सांसद नटुभाई पटेल ने कावड़ यात्रियों को करवाया था प्रस्थान। उत्तर भारतीयों के श्रावण के अंतिम सोमवार यानी 8 अगस्त को लवाचा के रामेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए सिलवासा से कावड़ यात्रियों को प्रस्थान करवाया गया था। आमले की गायत्री मंदिर में महादेव जी की पूजा अर्चना करके पूर्व सांसद नटुभाई पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, उपाध्यक्ष अजय देसाई, काउंसिलर रजनी सेट्टी, भाजपा मंत्री द्वारिकानाथ पांडे, अग्रणी शांतु पुजारी, कावड़ यात्रा के आयोजक शारदा महाराजी द्वारा श्रीफल फोड़कर कांवड़ियाओं को प्रस्थान करवाया गया था। नटुभाई पटेल ने कांवड़ियाओं को शुभेच्छा देते हुए बताया कि आप सब लोग इतनी लंबी पद यात्रा करके महादेव को जलाभिषेक करवाने के लिए पहुंचते हो, जो भोलेनाथ की सच्ची भक्ति ही है। अब जब भी हमारी आवश्यकता रहेगी आपकी सेवा में हम लोग उपस्थित रहेंगे। राकेश सिंह चौहान, शांतु पुजारी, रजनी सेट्टी भी कांवड़ियाओं की मंगल कामना के साथ उन्हें प्रस्थान करवाते हुए सभी ने अपने कंधों पर कांवड़ लेकर किलवणी नाका तक चले थे, जहाँ से कांवड़ियों को पैदल चलकर सीधा बिंद्राबिन मंदिर वहां पर पहुंचे उसके लिए कामना की गई थी। वहां पर रात्रि के दौरान भजन कीर्तन करने के बाद सूर्योदय होने से पहले ही पास में बहती हुई नदी में पानी भरकर उसमें से लाया हुआ पानी लवाछा
जाने के लिए रवाना किया जाएगा। साथ ही दोपहर के बाद लवाचा पहुंचकर वहां पर रामेश्वर महादेव मंदिर को जल चढ़ाकर प्रसाद ग्रहण कर कांवड़ यात्रा की पूर्णाहुति की जाएगी। वापी के सर्वोत्तम होटल के पास आई रवि पैलेस में आए हुए अयान ट्रेडर्स नामक दुकान के पास खुली जगह में से जुआ खेल रहे तीन आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। वापी उद्योग नगर पुलिस थाना का स्टाफ पेट्रोलिंग में था, उस दौरान उन्हें जानकारी मिली थी कि सर्वोत्तम होटल के पास में आए हुए गुजरात कांटा के पीछे के हिस्से में आई हुई रवि पैलेस में दुकान नंबर एक अयान ट्रेडर्स के बाहर खुली जगह में तीन शख्स अजीत कुमार राममिलन गौतम, छोटू रामदास यादव और मोहम्मद इशार इस्लाम समानी तीनों निवासी अयान ट्रेडर्स तीन पत्ती का हार जीत का जुआ खेल रहे हैं।
उसी जानकारी के आधार पर उद्योग नगर पुलिस थाने के स्टाफ द्वारा उसी जगह पर छापेमारी करते 3 शख्स खुली जगह में जुआ खेलते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। पुलिस ने कुल 1,750 रुपये के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू की है। वापी दमनगंगा दो ब्रिज के बीच एक कंटेनर चालक ने तेज गति से कंटेनर चलाते हुई दुर्घटना में कंटेनर नीचे गिर जाने से चालक की उपचार के दौरान हुई थी मौत। वापी में रविवार सुबह को जेडीसी स्थित दमनगंगा ब्रिज के पास दाहोद से मुंबई पोर्ट पर जा रही एक कंटेनर के चालक ने तेज गति से कंटेनर को चलाकर दुर्घटना घटित की थी। उस दुर्घटना में कंटेनर का टायर फटते ही नीचे पलटी होकर हाईवे के दोनों ब्रिज के बीचों बीच नीचे गिर जाने की वजह से कैबिन नदी के नीचे की ओर हवा में लटक गई थी, जिसके चलते कंटेनर का चालक ब्रिज के नीचे नदी में जा गिरा था। दुर्घटना घटित होते उपस्थित अन्य वाहन चालकों द्वारा तुरंत ब्रिज के नीचे पहुंचकर गंभीर तरीके से घायल हुए चालक को ऊपर लाकर 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में ले जाया गया था, जो कि सिर के बल और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर तरीके से घायल होते चालक के उपचार के दौरान मौत हुई थी। घटना के बाद हाईवे के दोनों ओर थोड़े वक्त के लिए ट्रैफिक जाम की परिस्थिति खड़ी हुई थी, जिसकी जानकारी होते ही जेडीसी पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और कंटेनर को बाहर निकालकर ट्रैफिक जाम को खुला किया था। मृतक कंटेनर का चालक कंटेनर में शीशे की बोतलों को भरकर मुंबई की ओर जा रहा था और फिलहाल उसकी पहचान निर्वल सिंह के तौर पर हुई है। पाटी तहसील के उदवाड़ा में संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 226 श्रद्धालुओं ने किया था स्वैच्छिक रक्तदान। 7 अगस्त को सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पवित्र आशीर्वाद से उदवाड़ा परिया दगड़माड़ द्वारा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संत निरंकारी मिशन के 226 श्रद्धालु भक्तजन और सेवादारों द्वारा निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया गया। रक्त एकत्रित करने के लिए रक्तदान केंद्र अवस्था और GEMRS मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की ब्लड बैंक की टीम उपस्थित रही थी। इस शिविर का उद्घाटन सूरत जोन के जोनल इंचार्ज आदरणीय श्री ओंकार सिंह बसरा जी द्वारा किया गया। रक्तदान शिविर में उपस्थित रहे रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया गया, साथ ही जन कल्याण के लिए की गई सच्ची सेवा की प्रशंसा भी की गई। इसके अलावा उदवाड़ा परिया और दगड़माड़ ब्रांच के मुखी चंदुभाई पटेल, अशोक भाई परमार, अशोक भाई आहिर उपस्थित रहे। सभी द्वारा रक्तदान शिविर में उपस्थित हरेक गणमान्य अतिथियों सहित डॉक्टरों और उनकी टीम के साथ रक्तदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया गया। सूरत जोन के जोनल इंचार्ज श्री ओंकार सिंह बसरा जी द्वारा बताया गया कि मिशन द्वारा पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन दिल्ली में साल 1986 के नवंबर महीने में वार्षिक निरंकारी संत समागम के अवसर पर किया गया, जिसमें बाबा हरदेव सिंह जी ने इस शिविर का उद्घाटन किया और ये अभियान में मिशन के अनुयायियों द्वारा लगातार पिछले 36 सालों से ये चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक 7,263 रक्तदान शिविरों में 12,03,698 यूनिट रक्तदान जन कल्याण की भलाई के हेतु एकत्रित किया गया है। बाबा हरदेव सिंह जी ने मानवता को संदेशा देते हुए बताया कि हरेक को इस सेवा में जुड़ना चाहिए। इसी के साथ इस अभियान को लगातार चालू रखने के लिए भी बताया गया। संत निरंकारी मिशन द्वारा जनहित के भलाई के लिए लगातार वक्त वक्त पर विश्व भर में कई सारी सेवाएं की जा रही है, जिससे समाज का विकास हो सके और मुख्यतः स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, निशुल्क चिकित्सा परामर्श केंद्र, निशुल्क नेत्र शिविर, प्राकृतिक आपदाओं में जरूरतमंद लोगों की सहायता इत्यादि के साथ साथ महिला सशक्तिकरण, बाल विकास के लिए कई सारी कल्याणकारी योजनाओं को भी सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। तो हरेक सेवाओं के लिए मिशन को राज्य सरकारों द्वारा वक्त वक्त पर सम्मानित भी किया जाता है। चार ब्रांचें मिलकर के कर रही हैं, परिया, दगड़माल और उदवाड़ा सारण। तो ये जो पिछले हफ्ते
एक ब्लड डोनेशन कैंप हुआ बिलाड़ में, उसमें 195 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया दोनों बैंकों द्वारा। और ऐसे ही हर 15 दिन बाद 24 अप्रैल से एक ब्लड डोनेशन कैंपों का तांता लगा है, और आज तक ऑल ओवर वर्ल्ड संत निरंकारी मिशन 12.5 लाख से ऊपर ब्लड दान कर चुका है, यूनिट ब्लड दान कर चुका है। और इसके साथ साथ जो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन गतिविधियां चला रही है, सतगुरु माता सदीक्षा जी महाराज की छत्र छाया में, वो है प्लांटेशन, सर्व रोग निदान कैंप, एक क्लीननेस के गंदगी बाहर हो या अंदर दोनों हानिकारक होती है। और जब जब एक आपदा कुदरती संसार पर आती है तो संत निरंकारी मिशन गवर्नमेंट के साथ कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़ा रहता है। जो आदेश आता है, जिस भी वस्तु का आदेश आता है, वो संत निरंकारी मिशन के जो वॉलंटियर है वो देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज जहाँ पर दास उदवाड़ा और आजू बाजू के एरिए को जे बेनती रखेगा कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में सब आकर के हिस्सा लें और निरंकारी मिशन का हौसला पसाई करें, और ये जो संदेश के साथ साथ जो मिशन है निरंकारी मिशन के, ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, युग सुंदर, सदियां सुंदर, घर मानव जीवन हो सुंदर, ये मानव जीवन सुंदर कौन बना सकता है, इस बिखरे हुए संसार को एक कौन कर सकता है, जिसका ये संसार है वो है परमपिता परमात्मा। तो परमपिता परमात्मा को जानने के बाद ही भक्ति शुरुआत होती है, फिर संसार को एक होते हुए देर नहीं लगती है। तो निरंकारी मिशन का यही संदेश है कि परमात्मा हर एक जगह पर है, इसके बगैर कोई जगह खाली नहीं है, और इसको दर्शन हमने सतगुरु माता सदीक्षा जी महाराज से किए हैं, और संसार भी करके अपना लोक सुखी परलोक से ला कर सकता है। प्यार से बोल समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन पर नए 15 पायलट ट्रेनिंग के लिए आते सर्वधर्म प्रार्थना सभा का किया गया था आयोजन। तेज बारिश के चलते फिर से उमरगांव के अंडरपास में भरा पानी, लोगों को आवाजाही में हुई थी परेशानियां। दादरा नगर हवेली स्काउट गाइड फेलोशिप द्वारा गंभीर गढ़ पर 2252 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया तिरंगा। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।